तो हेलो फ्रेंड्स, आज किस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स, यदि आप लोग यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं और आपका यूट्यूब चैनल इतना ग्रो हो चुका है कि मतलब आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो भी इनेबल होने ही वाला है या फिर हो चुका है। अब दोस्तों बात आते हैं कि अपने गूगल एडसेंस में लॉगिन कैसे करें। तो यदि आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स जो यूट्यूब से पैसा आएगा यूट्यूब पर काम करने के लिए यूट्यूब, तो फ्रेंड्स वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि दोस्तों जो आपका बैंक अकाउंट होता है वो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में ही लिंक होता है। दोस्तों कोई भी नया यूट्यूबर होता है, जबकि मैं भी नया था, तो फ्रेंड्स मुझे भी गूगल एडसेंस में कैसे लॉगिन करना है ये चीज़ नहीं बनती थी। क्योंकि भाई यार कोई भी बंदा पहले से सीख कर नहीं आता है, सब कुछ वो यही सीखता है इसी वर्ल्ड में। तो ओके, तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों से गूगल एडसेंस में लॉगिन करते नहीं आता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में कैसे लॉगिन करना है जीमेल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, जो आपका एक जीमेल अकाउंट होता है, देखिए जो आप यूट्यूब पर लगाते हैं तो वो जीमेल अलग होती है और जिससे आप गूगल एडसेंस बनाते हैं तो वो जीमेल अलग होती है, ठीक है ना। तो हमें उस जीमेल की जरूरत पड़ने वाली है जिससे दोस्तों आपने गूगल एडसेंस बनाया है। जब आपने मोनेटाइजेशन के लिए अपना चैनल भेजा था तब दोस्तों जिस जीमेल अकाउंट को आपने लगाया था वहाँ पर गूगल एडसेंस क्रिएट करने के लिए, तो फ्रेंड्स उस जीमेल अकाउंट पर हम चलेंगे और वहाँ से दोस्तों हम अपने गूगल एडसेंस में लॉगिन करना सीखेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपको करना क्या, सबसे पहले आपके जीमेल अकाउंट पर आ जाना है। एंड दोस्तों जीमेल अकाउंट पर आने के बाद जो ये आपका लोगो दिख रहा है आपके जीमेल अकाउंट का, तो आपको इस लोगो पर ओके करना है। दोस्तों लोगो पर ओके करने के बाद जिस जीमेल अकाउंट से आपका जो है गूगल एडसेंस बना हुआ है तो आपको उसी जीमेल को ओपन कर लेना है। ओके, अब दोस्तों करना क्या है, ओपन करने के बाद आपको गूगल अकाउंट पर जाना है। तो दोस्तों मैं गूगल अकाउंट पर जाता हूँ। एंड दोस्तों गूगल अकाउंट पर जाने के बाद आपको करना क्या है, पर्सनल इन्फो पर आना है। एंड दोस्तों पर्सनल इन्फो पर आने के बाद आपको यह डाटा एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कभी कभार डाटा एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि प्राइवेसी की जगह पर्सनलाइजेशन भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो डाटा एंड प्राइवेसी या फिर डाटा एंड पर्सनलाइजेशन। फिर दोस्तों आप करना क्या, सबसे नीचे आना है। तो सबसे नीचे आएंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है डाटा फ्रॉम एप्स एंड सर्विस दैट यू यूज, आप देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पर जाना है, कंटेंट सेव्ड फ्रॉम गूगल सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जाता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलता है। अब सिंपली आपको नीचे की तरफ इसे आना है, और जब नीचे की तरफ दोस्तों आप आते हैं तो आपको यहाँ एडसेंस का ऑप्शन दिख जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो सेटिंग है एंड हेल्प सेंटर है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग पर जाना है। एंड सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करना है। एंड क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, इसे डेस्कटॉप सेट पर खोल लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ थ्री डॉट, तो यहाँ से मैं इसे डेस्कटॉप सेट पर खोल लेता हूँ। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आप देख पाएंगे आपको इसे हल्का सा जूम आउट करना है। एंड जूम आउट करने के बाद ये थ्री लाइन दिखेंगी, तो थ्री लाइन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एडसेंस फॉर यूट्यूब पर ओके करना है। अब दोस्तों आप देख पाएंगे जो ये आपकी हिस्ट्री है, मतलब कि गूगल एडसेंस के अंदर जो पेज है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। एंड दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो कि यूट्यूब पर काम करता है और जिसका चैनल मोनेटाइज हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।